बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में। तो व्यूअर्स, मैं हूँ इकरा खान और आज आपके लिए लेकर आई हूँ इतनी ज़्यादा मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे गोला कबाब। इतना ज़्यादा इजी वे में हम इनको बनाएंगे, बिल्कुल भी आपके कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कम्प्लीट वॉच करना है, ठीक है। तो मैंने कीमे में जो था वो लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और जो मसाले ऐड किए थे उसमें लाल मिर्च का पाउडर था, ज़ीरा था, सौंफ था, सूखा धनिया का पाउडर था और गरम मसाला पिसा हुआ, ये सारे मसाले ऐड किए थे और काली मिर्च भी। इनको अच्छे से मैंने जो था कीमे के साथ ब्लेंड कर लिया था सब चीज़ों को अच्छे से। आप अपने जो मसाले हैं ना वो अपने कीमे के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपका कीमा है ना आप उस क्वान्टिटी के हिसाब से जो है वो मसाले ऐड करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सब चीज़ों को मैंने जैसे ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब जो है हाथ की मदद से ना आपने इसको गूंद लेना है एक दफ़ा, जैसे हम आटे को गूंद लेते हैं ना इस तरीके से आपने इसको जो है वो कीमे को भी गूंद लेना है। इससे क्या होगा, इससे जो है वो आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बाउंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि जब हमने इसको अच्छे से गूंदा है तो उससे क्या हुआ है। तो ये देखिए इससे जो है ना इससे अजक सी पैदा हो गई है, अब जो है वो कबाब जो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं हमारे, ठीक है। तो आपने भी ये स्टेप लास्ट में फॉलो करना है, ठीक है। आपने आटे की तरह जो है इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है। तो चलिए अब इनको जो है कबाब को शेप देते हैं। तो थोड़ी सी क्वान्टिटी में आपने जो है वो कीमे को लेना है और उसको जो है इस तरीके से आपने रोल कर देना है और गोला कबाब वाली शेप बन जानी है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे कबाब रेडी हैं, अब इनको जो है हम फ्राई करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना, इससे क्या होगा ऊपर ऊपर से तो इनका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चे होंगे, पकेंगे नहीं। तो मीडियम फ्लेम पर आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और आपने जो है वन बाई वन ये सारे कबाब इसमें ऐड कर देने हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको, तो ये आपके जो कबाब हैं ये डन हो जाएंगे। एक तरफ से जब अच्छे से कुक हो जाएँ तो फिर हम इनकी जो है ये साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें एक तरफ से जो है प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है, अब दूसरी साइड से भी इनको अच्छे से पका लेंगे। हर तरफ से ना आपने अच्छे से इसको कुक कर लेना है, ठीक है, ताकि कबाब जो है हमारे बिल्कुल भी कच्चे ना रह जाएँ, अच्छे से पक जाएँ। तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो जब अच्छे से कुक करते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर, यहाँ पर जो है हमारे गोला कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। व्यूवर्स, इतने ज़्यादा मज़े के ये बनकर रेडी हुए थे और देखिए कितना सिंपल है इनको बनाना। तो आप भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, फिर आपको आइडिया होगा कि इतने ज़्यादा टेस्टी ये कैसे बने थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।